फ्लाइट्स को आपको कई बार फ्लाइट चेंज करनी पड़ती बाहर जाने के लिए, तो सबकी डेट्स प्रॉब्लम थी. सो वी टुक नील एंड ही डिड द एक्सीलेंट जस्टिस टू माय शो. बहुत सारे चेहरे आज आने वाले हैं, मेरे पूरे टीवी फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप देखेंगे सरप्राइजेस पैकेज हैं. और अभी प्रेम जी आएंगे, आप उनकी आप उनको देखिएगा, वो इतने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने एक कोई बहुत कम लोग होते हैं जो इंडिया के बारे में इतनी यू नो इमोशनली सोचते हैं कि ऐसे ऐसी जगह में वो शो कराए. और अभी उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे हम शो करेंगे. एंड हम वी आर टॉकिंग टू सलमान खान, वो अगर आए उस शो में तो आई थिंक सो उस स्टेट को भी एक नया क्या कहते हैं एक इट विल गेट मोर रिकॉग्निशन. एंड उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी मिजोरम. So I think so. These are a few states which is very ignorant in terms of fashion, and I think so. We should promote India. जी definitely. New York में show करूँगा अभी कुछ महीनों में. उसके बाद मेरा Delhi में store खुल रहा है South X2 में. उसके लिए prepare कर रहा हूँ. Dubai के लिए prepare कर रहा हूँ. London के लिए prepare कर रहा हूँ. आप जानते हैं कि मैं mostly international काम में ज़्यादा करता हूँ भारत से ज़्यादा. पर इस टाइम मेरे तीन शोज हैं, मैंने काफ़ी लोगों को मना कर दिया है कि आई एम नॉट डूइंग जर्मनी फैशन वीक, आई एम नॉट डूइंग दिस टाइम बिकॉज आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन इंडिया टू प्रमोट इंडिया इनटू द इंटरनेशनल लेवल. और सुनिए मैं कोई टीवी शो वगैरह भी आप कर रहे हैं? जी जी, एक टीवी शो का मेरे को ऑफर आया है, पर मैं अभी दो माइंड में हूँ क्योंकि अभी मेरे पर दो दो स्टोर्स की जिम्मेदारी है, एक बॉम्बे एक दिल्ली. सो डेफिनेटली अभी मैंने उनको हाँ नहीं कही है, पर आप बहुत जल्दी अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आई विल.